हेलो फ्रेंड, सारनास किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पाव भाजी। पाव भाजी मैं एक नई ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये फ्लावर, आलू, बैंगन, लौकी, पत्ता गोभी, गाजर की सब सब्जियाँ मैंने 4 से 5 सीटी लेके उबाल ली है। मैंने यहाँ नमक और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची ली है और बटर लिया है। तेल लेके ये पानी जो मैंने सब्जियाँ उबाली थी उसमें पानी जो बचा था वो निकाल लिया है। अदरक और हरी मिर्ची की पेस्ट 4 से 5 चम्मच। ये मैंने सूखी लाल मिर्च 4 से 5 ली है, जिसे मैंने आधा घंटा भिगो के लहसुन के साथ क्रश कर लिए। लहसुन 5 से 6 कली ली है। 2 बड़े प्याज कटे हुए, 2 बड़े टमाटर कटे हुए, 1 शिमला मिर्च कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ और ये मटर जो मैंने अलग से उबाल लिए थे। अब हम गैस की ओर चले के पैन गरम करने रखें। पैन गरम हो जाए तो उसमें हम बटर डालेंगे। बटर में ये 1 चम्मच डाल रही हूँ और 4 से 5 चम्मच तेल। आप चाहे तो पूरा बटर में भी बना सकते हैं। बटर और तेल गरम हो चुका है तो इसमें सबसे पहले मैं ये कटे हुए प्याज डालूंगी। प्याज को थोड़ी देर पकने दे जब तक ये नरम ना हो जाए। प्याज नरम हो चुकी है तो हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। अदरक और हरी मिर्च की स्मेल ना चली जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च और अदरक की पेस्ट डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले और थोड़ी देर पकने दे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। अब टमाटर को भी थोड़ी देर पकने दे, उसके बाद हम उसमें नमक डालेंगे। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। अब इसमें मैं यहाँ पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। मैं यहाँ 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालूंगी। आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें यहाँ सेजवान चटनी डालूंगी। सेजवान चटनी में यहाँ 1 से 1.5 चम्मच डालूंगी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से थोड़ी देर पकने देंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए। उसके बाद हम उसमें उबाली हुई सब्जियाँ मैश करके डाल देंगे। अब यहाँ बटले भी डाल देंगे। अब इसे थोड़ी देर अच्छे से पकने दें। आप चाहे तो इस स्टेज पर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और डाल सकते हैं।
अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। अब हम एक पेन गरम करेंगे, उसमें हम 2 चम्मच बटर डालेंगे। बटर गरम हो चुका है तो इसमें हम ये कश्मीरी मिर्च डालेंगे। अब ये जो बघार हम इसमें पाव भाजी में डाल देंगे, इससे पाव भाजी का कलर पूरा बाजार जैसा हो जाएगा। अब इसे हम सर्व करेंगे। पाव भाजी खाने के लिए तैयार है।